एक बड़े बाप का बेटा होना, बड़े क्रिकेटर का बेटा होना कितना मुश्किल तजर्बा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इतना अच्छा भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन अननेसेसरी लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो क्या चीज़ ऐसी है जो आप प्रूव करके फिर पाकिस्तान टीम में कमबैक करना चाहते हैं? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ एक स्टिग्मा ये है कि एक फॉर्मर क्रिकेटर का बेटा होना, तो लोग थोड़ा नेगेटिव वे में चले जाते हैं. लेकिन मेरे वालिद साहब ने हमेशा से मुझे पॉजिटिव चीज़ ही सिखाई है कि आप पे तनकीद ज़्यादा होगी और तारीफ़ कम होगी. तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि जब भी तनकीद हो उसको देखूँ, उससे सीखूँ और अपनी परफॉर्मेंस आगे बेहतर से बेहतर देता रहूँ. हमेशा से आपको पता है कि पाकिस्तान खेलने की ड्रीम होती है हर प्लेयर की, और कोशिश यही होती है कि आपको पता है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि जब आप सिलेक्ट नहीं होता मायूस भी होते, लेकिन इन दी एंड आपके हाथ में आपकी परफॉर्मेंस है. आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है और आपकी गेम के लिए बेहतर है. क्योंकि मेरे हिसाब से जो बंदा मेंटली स्ट्रांग है ही हैज़ द पावर टू डू एवरीथिंग. सर, देखें, ओपनिंग इज़ अ डिफरेंट पोजीशन और मिडल ऑर्डर एक डिफरेंट पोजीशन है, जहाँ पे आपको पता है मिडल ऑर्डर के पास बॉलें कम होती हैं ज़्यादातर खेलने के लिए. या तो आपके 40 पे 4 आउट हुए होंगे सर्कल में, या फिर आपके 120 पे 2 आउट या 3 आउट होंगे, तो आपको जाके मैच फिनिश करना. तो ये एक बहुत ही ट्रिकी नंबर है, तो लोग इस पे ज़्यादातर एवरेजेस देखते हैं. लेकिन मेन इसका मकसद यही है कि आपका स्ट्राइक रेट देखा जाए वहाँ पे, और स्ट्राइक रेट जिसका बेहतर, क्योंकि आपको पता है दुनिया के अभी जो टॉप पावर हिटर्स हैं उनकी एवरेजेस मैटर नहीं करती, उनके स्ट्राइक रेट ज़्यादा मैटर करते हैं. क्योंकि T20 इज़ ऑल अबाउट इम्पैक्ट. और जहाँ तक आपने बात की बाबर भाई की, तो जाहिर सी बात है उनकी बात भी ठीक है. अगर आपके सामने 6 आउट हो जाएंगे तो इन दी एंड आपको टीम को कैरी करना है, और अगर उन पर तनकीद हो रही है, मतलब इतने बड़े वर्ल्ड क्लास बैट्समैन पे, तो आई थिंक ये गलत है. बाकी कोशिश यही है, क्योंकि देखिए मेरा एक माइंड सेट डिफरेंट है क्रिकेट खेलने का, और मैं हमेशा से ऐसी क्रिकेट खेलता हूँ. सर, देखें, पाकिस्तान टीम तक की जहाँ तक बात है, तो मैं अभी काफ़ी एक अच्छे जोन में हूँ जब से मैं दुनिया भर में क्रिकेट खेल रहा हूँ. और देखें, लोग ज़्यादातर कहते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट को ज़्यादातर वो कर रहा है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ज़्यादा खेल रहा है, लेकिन इन दी एंड देखें मेरा काम है, मैं क्रिकेटर हूँ. मुझे जहाँ पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ क्रिकेट खेलने जाऊँगा, और मुझे पाकिस्तान से अगर खिलाड़ी बोलते हैं तो मैं पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है. तो ये T20 खेलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट ऑफ द टूर्नामेंट उसके पीछे काफ़ी प्रैक्टिस होती है. वो जाहिर सी बात है कभी कभार ही एक ऐसा शॉट लगता है, और इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ अब, क्योंकि आपको पता है कि T20 में अब काफ़ी इनोवेशन आ गई हैं और इनोवेटिव क्रिकेट की तरफ लोग जा रहे हैं. तो आपके पास जब आपकी आर्मनी में इतने शॉट्स हों तो बॉलर कंफ्यूज रहता है. सर, देखिए वजन, मेरी फिटनेस आपको पता है.